कस्टमर का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल में। आज नई वीडियो लेके आए हैं जो कि रहने वाली स्टिचिंग की। अगर आपको कोई पसंद आता है आप भी वो अपने बुटीक पे भी बनवा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। और इस तरीके की हमने जो ड्रेस एक रेडी की है, फैब्रिक उसमें बताने वाले हैं कि कितना फैब्रिक लगा है, आप उसको किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है स्किप ना करते हुए। आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल रहेगा आप देख सकते हैं, बाकी इसकी फुल डिटेल की भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसमें बताया गया है कितना फैब्रिक लगेगा, कैसे आप इसको स्टिच कर सकते हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। बाकी आप देख सकते हैं जो इसका डिज़ाइन हमने किया है, आप अगर इस तरीके की ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो ड्रेस बनवा सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये चिकन का फैब्रिक रहेगा, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी और इसमें लाइनिंग की कोई नीड नहीं है। हमने विदाउट लाइनिंग इसको स्टिच किया है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ दिखने वाला है। यहाँ पे हमने गैदरिंग दी है, फ्रंट और बैक में इस तरीके से गैदरिंग आ जाएंगी, इसी का डबल करके हम नीचे इसमें अटैच किया है। जब भी आप इस तरीके की ड्रेस बनाते हैं जो ऊपर वाला हमारा पार्ट होता है उसका डबल करके नीचे लगता है। अब मान लीजिए आप इसकी 42 विड्थ वाली सिंगल कटिंग कर रहे हैं और आपका 42 बैक का हो गया और फ्रंट का भी आपका सिंगल जो है अर्ज में वो निकाल के हमने लगा दी, तो नीचे वाले में जब हम लगाते हैं तो इसके हम 4 पीस कटिंग करते हैं, गैदरिंग है उसमें दिखाई नहीं देता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ज्वाइंट आपको ये 4 मिलेंगे, इसमें 2 फ्रंट में मिलेंगे, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो 2 फ्रंट में आ जाएंगे और 2 बैक में आएंगे, तभी आपकी गैदरिंग अच्छे से डल पाएंगी। अदरवाइज जैसे आपको डेली वेयर का बनाना है तो आप हल्की फुल्की उसमें गैदरिंग से आप 3 उसके काट के तब भी आप उसको इसमें ज्वाइंट कर सकते हो, 1.5 फ्रंट में रहेगा, 1.5 बैक में। बट अगर आप डबल करते हो तो काफ़ी अच्छी गैदरिंग आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी गैदरिंग आएगी। और नीचे से हमने सिंगल करके इसको स्टिच किया है। इस तरीके की ड्रेसें अगर आप कॉटन और चिकन के फैब्रिक में बनाते हैं काफ़ी अच्छी लगती हैं, आप बैक भी देख सकते हैं। और इसको हमने बनाया है कॉलर वाला नेक बनाया है, आगे कुर्ता पट्टी दे दी है जिसमें काज बटन लगाएंगे, फ्रंट में हमने ये प्लेट्स दी हैं और स्लीव्स आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर इसके स्लीव्स बनाए गए हैं, 3-4 स्लीव्स, और इस तरीके से हमने फ्रिल बनाई है जो कि सिंगल फैब्रिक से बनाई है। अगर आप चाहें अगर इसके हम डबल करके बनाते हैं तो प्लेट्स आ जाती हैं छोटी छोटी, बट अगर हम सिंगल करके फैब्रिक की बनाते हैं तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी फ्रिल्स बन के रेडी हो जाती हैं, जो कि यहाँ पर स्टिचिंग की जाती हैं और इस तरीके से सिंगल साइड से इसका इसमें अटैच किया जाता है सिंगल फैब्रिक के साथ। और इसको भी हमने लूज़ रखा है, बिल्कुल स्ट्रेट लूज हमने इसको बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की ड्रेस बनवाना तो आप बनवा सकते हैं, फैब्रिक आप कोई भी ले सकते हैं, आप अपना मेजरमेंट हमें दे सकते हैं। मेजरमेंट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं जो कि प्रॉपर आपका मेजरमेंट ले लिया जाएगा, और मेजरमेंट में आपको शोल्डर, चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट देना है, बाकी लेंथ का, और उसके बाद हम आपका प्रॉपर बना के रेडी करके दे देंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता आप वीडियो कॉल करके मेजरमेंट समझा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके साथ अगर आपको पैंट भी चाहिए आप पैंट भी ले सकते हैं। सेकंड आर्टिकल आ गया जो कि चिनोन के फैब्रिक का रहेगा, ये डाई किया है, वाइट फैब्रिक था और हमने इसको दुपट्टे के साथ रेडी किया है और कॉटन की लाइनिंग हमने इसमें लगाई है, कॉटन की लाइनिंग के साथ रहेगा। और आप देख सकते हैं पूरा मिरर वर्क आ जाएगा जो कि पानी गोल्डन है, तो फिर हमने उसी की लेस के साथ इसको रेडी किया है। स्क्वायर नेक दिया है, स्क्वायर नेक आप जब भी बनाते हैं तो अगर आपका 7 इंच अगर आप तैयार कराते हैं कोई भी नेक, तो फिर आप अगर स्क्वायर नेक बनाते हैं तो 1/2 इंच कम कर लेंगे, तो इसको 6.5 ही रखेंगे। जैसे कस्टमर का अभी 7.5 इंच का हमें तैयार करके देना था, बट अगर हम स्क्वायर नेक बनाते हैं इसको हम 7 इंच का रेडी रखते हैं। यह आ गया बैक, बैक में भी आप देख सकते हो इस तरीके से बो बना दी गई है और स्क्वायर नेक ही दिया गया है। ये स्लीव्स आ जाएंगी जो कि 3/4 रहेंगी, विदाउट लाइनिंग स्लीव्स रहेंगी, चिनोन का फैब्रिक है और काफ़ी हैवी फैब्रिक है, ट्रांजी नहीं है, तो कॉटन की लाइनिंग के साथ ही चलेगा। इसके साथ ये पैंट दी गई है, पैंट में भी इस तरीके से हमने लेसिस यूज़ की है, इस तरीके से काफ़ी अच्छी लगती है। और फ्रंट में बेल्ट आ जाएगी, बैक में इलास्टिक आएगी और इसके साथ ये कस्टमर का दुपट्टा अपना ही था, तो इस तरीके से ये रेडी किया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
लास्ट आर्टिकल आ गया, ये भी हमने काफ़ी अपने बुटीक पे सूट बनाए हैं, काफ़ी हमारे ट्रेंडिंग में रहे हैं ये वाले सूट जो कि नीलन के, हमने काफ़ी इसमें हमारे पास कलर ऑप्शन है, आप कोई भी कलर लेके इस तरीके से बनवा सकते हैं। नीलन का रहेगा, सॉफ्ट फैब्रिक रहेगा बिना लाइनिंग का जो आपका बनेगा। इसमें भी अगर आपका कलर चाहते हैं कलर ऑप्शन इसमें देखना तो आप वो देख सकते हैं। इसमें हमने वी नेक बनाया है जो कि बीच में हमने ये इस तरीके से थ्रेड वर्क किया है और ये लेसिस के साथ इसको रेडी किया है। 3/4 स्लीव्स रखी हैं और स्लीव्स पे भी इसी तरीके से डबल लेस लगाई है और यहाँ पे हमने सिंगल बटन वाली लेस इसमें ऐड कर दी है। ये हमारा काफ़ी अभी भी ट्रेंडिंग में ही है, काफ़ी हमारे कस्टमर हैं जो ऑनलाइन बुक करते हैं इस तरीके के सूट, क्योंकि इस तरीके के सूट हैं आप कहीं भी इजीली घर में पहन सकते हैं, डेली वेयर में आप इनको पहनते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, अलग से रिच लुक आती है, आप ऑफिस वेयर पहन सकते हैं, किटी पार्टी में इस तरीके के आप आर्टिकल पहनते हैं, अलग लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल, क्योंकि गर्मियों का सबको पता है गर्मियां हैं तो इस तरीके के काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये आ गया आपका प्लाजो पैंट के साथ जो कि हमने लेस के साथ इसको रेडी किया है और फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक आ जाएगी। आप इसके साथ अगर दुपट्टा लेना चाहें तो दुपट्टा भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बैक छोटा करा के और आगे इस तरीके से पाकिस्तानी ये और नेक वाला बनवा सकते हैं जो कि छोटा आप बनवा सकते हैं विदाउट आप दुपट्टा भी इसको कैरी कर सकते हैं। बाकी इसके साथ अगर आप दुपट्टा प्रिंटेड भी लेना चाहें जो कि लीनन में हमारे पास अवेलेबल है, आप प्रिंटेड दुपट्टे भी इनके साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, आप सबको हमारी ये वीडियो और जितने भी हम आइडिया देते हैं आप सबको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताना। अगर आज की वीडियो भी डेली की तरह आपको पसंद आई है चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। आज की